हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनी मंधान एंड माय चैनल नेम इज अप्रेजल विद सोनी। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आज मैं आप लोग के लिए एक DIY रेमेडी का रिव्यू लेके आई हूँ। ये रेमेडी मैंने खुद ट्राई की है और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोग के साथ यहाँ पे आज मौजूद हूँ। और ये रेमेडी मैंने बहुत रिसेंट यूज़ की है, यानी कल और आज। तो मेरे 2 दिन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो इतना जल्दी क्यों? क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही मिल गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से अब वेट किसका करना, आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। वेदर जो है वो क्विकली चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो उसका असर हमारे स्किन पर, हमारे हेयर पर, हमारे रूटीन पर, हमारी हेल्थ पर, सब पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी जैसे स्टार्ट हुई थी उस समय ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे थी। उस समय मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक महीना गुजरा, फरवरी स्टार्ट हुई, वेदर से फिर से चेंज हुआ, एकदम से इमिडिएटली क्विकली चेंज हुआ वेदर। और मेरी स्किन ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई मेरी स्किन में। मैंने बहुत सारी क्रीम्स ट्राई की, इवन मेडिकेटेड क्रीम्स भी ट्राई की, मेडिसिन ली होम्योपैथिक, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं आया। लेकिन इस होम रेमेडी ने जैसे मैजिक कर दिया, सच में बिल्कुल मैजिक कर दिया मेरी स्किन के लिए। और ये होम रेमेडी मुझे मेरी सिस्टर ने रेकमेंड की थी, तो थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर। आज आपकी वजह से मेरी स्किन सेफ हो पाई है। और मैं आपको ये क्रीम कैसे बनानी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सारा रिव्यू सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसे लगी। ट्राई करिएगा और वापस से कमेंट में आके बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला, क्योंकि ये क्रीम सिर्फ 5 रुपये में रेडी होगी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है हनी, मैंने ये पतंजलि की हनी ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। और दूसरा विटामिन ई का कैप्सूल, मैंने इवियन लिया है। तो आप चम्मच की सहायता से एक क्लीन बोल में हनी को निकाल लेंगे। मेरे फेस के लिए मैंने 1 चम्मच हनी लिया था, जो मेरे फेस के लिए काफ़ी है, आई थिंक आप सबके फेस के लिए भी काफ़ी होगा। उसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल लेके हम उसे कट करेंगे और उसका पूरा ऑयल हनी में मिक्स कर देंगे। आपको अच्छे से पंक्चर करके इसका पूरा ऑयल निकाल लेना है और उसको हनी में मिक्स कर देना है। अब चम्मच से हिलाते हुए हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पूरा फेंटना है हमें, ताकि ये एक तरह से थिक क्रीम बन जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हनी इस समय थोड़ी सी तीखी होती है, और विटामिन ई का ऑयल मिक्स होने के बाद ये थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको लगाना कैसे है और किस। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी स्किन, कहीं से रेड, कहीं से फ्लेकी। तो चलिए इस क्रीम को लगाते हैं। सबसे पहले अपने बालों को ऊपर बांध लेंगे, ताकि शहद हमारे बालों में न लगे। और इस क्रीम को हम नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड मोशन में लगाएंगे। हमेशा कोई भी क्रीम, कोई भी पैक, आप हमेशा अपवर्ड मोशन में ही लगाएं। अच्छे से अपनी उंगलियों से स्प्रेड करते हुए इस क्रीम को हम लगाएंगे, और नेक पे भी ज़रूर लगाएं, नेक कभी ना भूला करें आप। और इस रेमेडी को हम 30 मिनट तक अपने फेस पे रखेंगे, उसके बाद नॉर्मल वॉश कर लेंगे। पानी से धोने के बाद आप मेरा फेस दे सकते हैं। इस तरह से एक सॉफ्ट टॉवल लेकर आप अपने फेस को डैबिंग मोशन में पोंछ लीजिए। कभी भी आप अपने चेहरे को रब करके ना पोंछे, हमेशा फेस को डैब 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 करके ही पोंछे। इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरी स्किन से ऑलमोस्ट रेडनेस चली गई है, फ्लेकीनेस चली गई है। मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सफल मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही हल्का फुल्का फ्लेकीनेस है, वो भी जल्दी ही चला जाएगा। आई तो दोस्तों, टॉवल से सुखाने के बाद आप कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइजर लेके अपने फेस पे इवेंटली लगा लीजिए। अब आप कहेंगे जब रेमेडी इतनी अच्छी है तो मॉइस्चराइजर किस लिए? तो मैं आपको बता दूँ,
वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से, क्योंकि कई जगहों पे जो पानी होता है बहुत हार्ड होता है, तो उसकी वजह से और ड्राइनेस होती है। तो बेटर है आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे और जो हार्ड वाटर का असर है वो आपकी स्किन पे ना हो। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको रेमेडी पसंद आई हो, मेरा रिव्यू पसंद आया हो, मैंने मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया वो आपको अच्छा लगा हो। आपको इस रेमेडी को लेके कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल, कुछ भी, या अगर आपको इस रेमेडी से फ़ायदा मिलता है तो वो मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि किस किस ने इस रेमेडी को ट्राई किया और इस रेमेडी का बेनिफिट उठाया। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इस वीडियो को बना लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ, या कुछ और वीडियो लेके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।